नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यास तूफान से जान खोने वालों के परिजनों के लिए 4-4 लाख मुआवजे का हुआ ऐलान। मिड डे मील स्कीम के तहत केंद्र सरकार 11.8 करोड़ छात्रों के खाते में भेजेगी पैसे। यास तूफान के कारण धस गई पीपा पुल को जाने वाली सड़क, तूफान का असर दिखा फसलों पर भी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद डीजीपी ने बिहार पुलिस को जारी किया आदेश। बिहार डीजीपी एसके सिंघल ने सूबे के सभी पुलिस अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है। इसके तहत पुलिस कर्मियों को कहा गया है कि वे दहेज उत्पीड़न की धारा 498A और 7 साल से कम कारावास वाले मामले में अभियुक्तों की सीधी गिरफ्तारी न करें। दरअसल देश में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का जो अधिकार मिला है उसमें साल 2010 में ही संशोधन कर दिया गया था। 2017 में फिर से बिहार पुलिस को यह निर्देश दिया गया था कि वे 7 साल से कम सजा वाले मामले में अभियुक्तों की सीधी गिरफ्तारी ना करें, लेकिन बिहार पुलिस ने इस पर अमल नहीं किया, जिस कारण डीजीपी ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में जारी किया है। पुलिस कर्मी द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ कोर्ट की अवमानना का दोष भी लगेगा। वहीं डीजीपी ने यह भी कहा कि कुछ अन्य बिंदुओं को छोड़कर अगर कोई अभियुक्त पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में कोई अपराध करता है तो पुलिस को उसे बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है, भले ही उसकी सजा कितनी भी कम क्यों ना हो। यास तूफान से जान खोने वाले परिजनों के लिए 4-4 लाख मुआवजे का हुआ ऐलान। बिहार में यास तूफान का खतरा अभी टला नहीं है। तेज आंधी और भारी बारिश ने बिहार में जान माल का नुकसान किया है। इसके कारण राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं इस प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों की जान चली गई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसके साथ ही सीएम ने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और सरकार का पूरा सहयोग रहने की बात भी कही है। बता दें कि चक्रवात यास के कारण दरभंगा, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, गया, पटना और भोजपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई। वहीं बेगूसराय में 4 लोग घायल हुए हैं, जबकि बांका व गया में 1-1 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसके बाद सीएम ने घायलों का समुचित इलाज का निर्देश दिया है। तूफान का असर दिखा फसलों पर भी। तूफान के कारण है कि किसान को काफी ज्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार यास तूफान की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण लीची और आम को तो बहुत नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ मक्के और मूंग के किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश से सब्जी के खेतों में भी पानी भराया। दूसरी तरफ राज्य के कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन कर इसकी भरपाई का भरोसा दिया है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के प्रभारी निदेशक डॉक्टर शेखर पांडे ने बताया कि इस चक्रवात से नीचे के किसानों को नुकसान है। शाही लीची की तुराई हो रही थी और किसानों को व्यवधान आ गया। बारिश को लेकर 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट हुआ जारी। अगले 24 घंटे बिहार सहित झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारी रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और सीमावर्ती झारखंड पर तूफान यास कमजोर हो गया है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे बिहार पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और इसी कारण उत्तर पश्चिमी बिहार में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि तूफान अब कमजोर हो रहा है और अगले 1 से 2 दिनों में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर प्रशासन को तैयारी पूरी रखने को कहा गया है। मिड डे मील स्कीम के तहत केंद्र सरकार 11.8 करोड़ छात्रों के खाते में भेजेगी पैसे। देश भर में जारी कोरोना के कहर के बीच सरकारी स्कूल पिछले 1 साल से नियमित नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में यहां पढ़ने वाले बच्चों के पोषण पर भी संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हें MDM योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मिड डे मील स्कीम के सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत के बराबर की धनराशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों को नगद रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे। इसके लिए फंड में और 1200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से मुफ्त खाद्यान्न वितरण की घोषणा भी अलग है। बता दें कि केंद्र का यह फैसला इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय में बच्चों की इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करेगा। COVID-19 के माहौल में PF पर बिहार वासियों की दिखी निर्भरता। COVID-19 के जारी माहौल के बीच PF संकट मोचन बनकर सामने आया है। इसके तहत मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 89,384 लोगों ने भविष्य निधि से 169 करोड़ रुपए निकाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूबे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में है। जानकारी के अनुसार भागलपुर में आवेदन 5,198 आए थे और 3,807 आवेदन को स्वीकृत किया गया था। सदस्यों को
7,56,78,807 रुपए बैंक में ट्रांसफर किए गए थे। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर कार्यालय में 8,441 आवेदन आए और 7,431 आवेदनों को स्वीकृत किया गया, तो वहीं पटना क्षेत्रीय कार्यालय में 90,148 आवेदन आए, वहीं इसमें से 77,946 आवेदन को स्वीकृत किया गया और लगभग 16,94,52,356 रुपए राशि आवंटित की गई। बिहार में पति द्वारा पत्नी के प्रेमी के साथ उसकी शादी कराने का वीडियो हो रहा वायरल। सोशल मीडिया पर बिहार के छपरा जिले का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो देखने में बिल्कुल फिल्मी कहानी के जैसा लग रहा है, मगर यही हकीकत है। दरअसल छपरा के नगर निगम के घेघटा गांव के एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी की शादी पत्नी के दूसरे प्रेमी के साथ करा दी। बताया जा रहा है कि शादीशुदा महिला की एक बेटी भी है और खास बात यह है कि पहले पति से भी उस युवती ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक चलने के बाद महिला की पसंद बदल गई, जिसके बाद युवक को पता लगने के बाद काफी समझाने और मारपीट तक करने के बावजूद महिला ने नहीं मानने पर पहले पति ने उसकी शादी उस दूसरे युवक के साथ करा दी। हालांकि वीडियो में लड़की और उसके पहले पति कहते दिख रहे हैं कि वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी से विवाह कर रही है। बिजली गुल होने से दूरदर्शन की स्मार्ट क्लास भी 2 दिनों तक रही ठप। कोरोना संकट के बीच बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत डीडी बिहार पर बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से तूफान के कारण बिजली व्यवस्था चरमराने से शहर से लेकर गांव तक के 6ठी से 12वीं तक के बच्चे शैक्षणिक कार्यक्रम को नहीं देख पा रहे हैं। गुरुवार से ही कार्यक्रम शुरू होने वाला था, लेकिन बिजली नहीं होने से 2 दिनों से एक भी एपिसोड बच्चे नहीं देख सके। आपको बताते चले कि इन स्मार्ट क्लास का प्रसारण डीडी बिहार पर सुबह 9 बजे से 10 बजे और फिर 10 से 11 बजे तक होते हैं, जिससे राज्य के 28,000 मध्य विद्यालयों के करीब 50,00,000 बच्चों को इसका लाभ होता है। वहीं 10वीं पास विद्यार्थियों को भी आगे की पढ़ाई जारी रखने में इन कार्यक्रमों के जरिए मदद मिलती है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इन स्मार्ट क्लास के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का आदेश दिया है। यास तूफान के कारण धस गई पीपा पुल को जाने वाली सड़क। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान यास ने बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को महज 2 दिनों में ही काफी नुकसान पहुंचाया है। राजधानी पटना में गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने के कारण गांधी सेतु के समीप गंगा नदी पर बनाए गए पीपा पुल के पास बनी सड़क धंसने लगी है, जिस कारण सुरक्षा के लिहाज से पुल को बंद करा दिया गया है। बताते चले कि पटना सहित बिहार के अधिकांश जिलों में बुधवार से ही बारिश हो रही है, जिस कारण जमीन में नमी की मात्रा बढ़ गई है। इसे कई जगह पुल व सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें आ रही हैं। वहीं पुराने जर्जर मकानों को भी क्षति पहुंची है। दूसरी तरफ गंगा सहित कई नदियों में उफान देखने को मिल रहा है, जिसके कारण भद्रघाट स्थित पीपा पुल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यास तूफान ने बढ़ा दी बिहार में मानसून के जल्दी आने की संभावना। बिहार में यास तूफान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन इसने वातावरण में बदलाव लाया है, जिससे जल्द ही मानसून भी दस्तक दे देगा। मौसम मामलों के जानकारों की माने तो तूफान यास ने मानसून को काफी मदद की है, जिससे अंडमान निकोबार समूह के द्वीपों के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून काफी तेज हो गया है और अगले 2 दिनों में इसके केरला में दस्तक देने की संभावना काफी ज्यादा हो गई है, जिसके बाद अनुमान के मुताबिक 12 या 13 जून को इसके बिहार में प्रवेश करने की संभावना लग रही है। जानकारों के अनुसार तूफान के कारण सूबे की हवा में काफी नमी भर गई है, जो कि तूफान को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकती है, जिसके कारण प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सब कुछ सही रहने पर बिहार में पूर्णिया के रास्ते मानसून 13 जून के करीब प्रवेश कर सकता है। बीजेपी मंत्री ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार को बिहार से तुलना करने की दी नसीहत। बिहार बीजेपी नेता और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के जवाब में उन्हें आंकड़ों का आईना दिखाया है और आंकड़ों के साथ बात करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक कुल 3,00,000 से ज्यादा मौत हुई है, जिसमें लगभग 1/3 यानी कि 91,341 मौत सिर्फ महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस व एनसीपी की सरकार है और वहां न तो चुनाव हुए हैं, ना ही वहां कुंभ थी और ना ही भाजपा की सरकार थी। फिर भी इन सब बातों के बावजूद विपक्षियों का टारगेट सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों है? उन्होंने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र की आबादी लगभग बराबर होने के बावजूद भी बिहार में कुल मौत 4,845 ही हुए हैं, वहीं दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से भी कम है और मौत 23,695 हुई, यानी कि बिहार से भी 6 गुना ज्यादा हुई है, जबकि दिल्ली की आबादी बिहार की आबादी का 16% है। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा आरोप लगाने पर सुशील मोदी ने किया हमला। कोरोना की दूसरी लहर में टीकाकरण व अन्य स्वास्थ्य मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लगातार घेरने का काम किया है। बीते दिन केंद्र सरकार पर राहुल ने वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा
लोकसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट्स की बौछार कर राहुल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या वे चीन के इशारे पर टीकाकरण को लेकर अनर्गल सवाल उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनके शासन काल में पोलियो, स्मॉल पॉक्स इत्यादि में दशकों लग गए थे। पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए 1990 में टीकाकरण शुरू किया गया और उसे पूरा करने में 25 साल लगे, जबकि मोदी के शासन काल में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सबसे पहले लॉकडाउन लगाने, एक साल के भीतर वैक्सीन बनाने और अब तक 20,57,00,000 लोगों को टीके लगवाने का दुनिया भर में लक्ष्य हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राजद और सपा जैसे दल हर कदम पर विरोध कर जनता में टीके को लेकर संदेह और दहशत फैलाते रहे हैं। मिशन 5 करोड़ योजना के तहत रोहतास जिले में लगाए जाएंगे 18,00,000 पौधे। बिहार के रोहतास जिले के वन क्षेत्रों में राज्य सरकार की मिशन 5 करोड़ योजना के तहत पौधारोपण किया जाएगा। इसके तहत इस वर्ष वन विभाग 18,00,000 पौधे लगाएगा। पौधे लगाने को लेकर वन्य आश्रयणी क्षेत्रों में पिट की खुदाई, पौधा संरक्षण के लिए ट्रेंच की खुदाई और शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे पौधा लगाने के लिए ऊंचा टीला बनाकर तैयारी भी कर ली गई है। इसके तहत विभाग पीपल, बरगद, पाकड़, गुलर, फलदार में अमरुद, आंवला, हर्रे, बहेरा समेत फूलदार में गोल्ड मोहर समेत विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने की तैयारी में है। वहीं वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पौधा वितरण करने में समस्या ना हो, इस पर विचार विमर्श को लेकर 4 जून को राज्य मुख्यालय में बैठक भी की जानी है, जिसमें जिले के लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन आश्रयणी क्षेत्रों के साथ साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जीविका दीदी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से भी पौधे वितरण किए जाते हैं और लगाए जाते हैं, लेकिन कोरोना काल में काम को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। ऋषभ पंत की तुलना धोनी से करने पर पंत के कोच ने दिखाया गुस्सा। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पिछले 6 महीनों में अपने खेल से धूम मचा रखी है। वहीं भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से भी पंत की काफी तुलना होती है, लेकिन यह बात पंत के बचपन के कोच तारक सिन्हा को पसंद नहीं है। तारक सिन्हा ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में धोनी से तुलना के सवाल पर कहा कि निश्चित तौर पर पंत गेम चेंजर हैं और बहुत अच्छे से सुधार भी करते हैं, लेकिन हर समय धोनी के साथ तुलना की क्या जरूरत है। धोनी को भी दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने में वक्त लगा था, इसलिए हमें पंत के साथ सब्र रखना होगा, उसका समय आएगा, अभी तो उसने केवल शुरुआत की है। दरअसल आपको बता दें कि करियर के शुरुआती दिनों में पंत की धोनी से काफी ज्यादा तुलना की जाती थी। जब भी विकेट के पीछे उनसे कोई गड़बड़ होती थी तो उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। मैदान में भी दर्शक धोनी धोनी के नारे लगाकर उन पर दबाव बनाते थे, इसके चलते पंत टीम से बाहर भी हो गए थे। देश भर में 2,00,000 से कम दर्ज हो रहे हैं कोरोना के मामले। देश भर में कोरोना के मामले इन दिनों औसतन 2,00,000 से कम आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,73,790 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 3,617 मरीजों की जांच ली गई है। वहीं इस दौरान 2,84,601 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस अब 22,28,724 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में 1,785 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान कुल 5,362 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 24,809 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 95.76% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में लगातार रिकवरी रेट बढ़ने और कोरोना केस घटने के कारण लॉकडाउन में थोड़ी ढील दे देनी चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट